भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास ठेवून शिवसेनेचे उत्तर भारतीय सेल खारघर अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी त्यांच्या अनेक समर्थकांसह भाजपमध्ये जाहीर पक्ष प्रवेश केलाय. भाजपचे उत्तरायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पक्ष प्रवेश सोहळा संपन्न झाला असून त्यांनी पक्षाची शाल देऊन प्रवेशकर्त्यांचं पक्षात स्वागत केलं. हा पक्ष प्रवेश खारघर येथील रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये रविवारी संपन्न झाला. खारघर येथे झालेल्या पक्ष प्रवेशावेळी शिवसेनेचे उत्तर भारतीय सेल खारघर शहर अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी, संजय पांडे, चंद्रदेव उपाध्याय, राजेश मिश्रा, कृष्णा पांडे, शिवम, संजय कुशवा, सुशीला यादव, सनी महादेव, उमेश कुशवा, पंकज पांडे, अशोक जोशी, जवाहर शाह यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतलाय. या सर्व प्रवेशकर्त्यांचं उपस्थित मान्यवरांनी पक्षात स्वागत केलं. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक हरीश केणी, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सरचिटणीस दीपक शिंदे, उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष विनोद ठाकूर, उपाध्यक्ष सुमित सहाय्य, सोशल मीडिया सेल जिल्हा उपाध्यक्ष मोना अडवाणी, महिला मोर्चा सरचिटणीस साधना पवार, शिक्षक सेल संयोजक संदीप रेड्डी, युवा मोर्चा सरचिटणीस अमर उपाध्याय, विपुल चौटालिया, संदीप एकबोटे, मधुमती जेना यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी योगी थे और योगी होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जा सकता है इसका जो परिचय उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं किसी परिचय वालों से अपने को भी कोई किताब दिलवा लेते हैं और उसका बहुत डंके की चोट पर प्रचार करते हैं. पर ऐसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई जानता तक नहीं उसके अवार्ड देने से आप अच्छे सीएम नहीं बनते. अच्छे सीएम तब बनते हैं जब विकास का मंत्र भी बोला जाए और दहशत और गुंडागर्दी से जनता को मुक्ति भी दिलाई जाए. ऐसे प्रशासन को ही हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रशासन कह सकते हैं. महाराष्ट्र की आज हम देखें तो जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हम देख रहे हैं कि आए दिन लोगों पर हमले होते रहते हैं, पर हमला करने वाला अगर शिवसेना का हुआ तो कोई केस नहीं होगी और कहीं कोई भी मामला भी ना हुआ हो, पर अगर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठती है तो यूं ही कोई केस बना दिया जाता है. तो इस तरीके की दोगलेपन की जो नीति यहाँ पर उसका स्वीकार करने वाली सरकार आज महाराष्ट्र में है और उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की सरकार हम देख रहे हैं और हमें पूरा गर्व है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है उसका और कोई सानी हो नहीं सकता. और इसी तरीके से आने वाले 5 सालों में योगी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे. ये आज वहाँ पे होने वाले चुनाव के जनसभा के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हमें जान पड़ता है. 10 मार्च तारीख अभी ज़्यादा दूर नहीं रही. 10 मार्च का इंतजार हम सभी को है और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, शिवरात्रि आ रही है तो प्रार्थना करेंगे कि बाबा भोलेनाथ जो मोदी जी के और योगी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद दें. आज आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का आशीर्वाद और जो हमारे सारे आपके सहयोगी आज जो है भगवान की प्रार्थना पूजा प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो आप आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है. आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपके माध्यम से जनता की सेवा होती रहे और उस माध्यम से जनता का आशीर्वाद जो आपको मिले भारतीय जनता पार्टी के साथ में बना रहे. इसके लिए मेरी ओर से आपको और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया ऐसे हमारे सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.